टिबिया है वो बच्चों में होती है, वो बच्चों में होती है, जबरदस्ती जबरदस्त, आई एम ग्लैड कि सबको याद है। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ व्हाट? वो लिखा हुआ था वर्टिब्रा, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। अच्छा, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्टिव फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड। तो मैंने कहा था अगर फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होता तो वो क्या होगा, रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस, ठीक है, रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस या इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी टू माइक्रो डिलीशन, टेक्निक कौन सी है, फिश फिश। लेटरल साइड ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ फुट को कौन सप्लाई करता है, उसने रूट वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो वही S1 हमारी फेवरेट, ठीक है, S1 रूट वैल्यू है जी लेटरल लेटरल साइड ऑफ फुट के लिए। पेशेंट हैज राइट साइड इन हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइड इन डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ एंड ड्रिबलिंग, व्हाट विल रिप्रेजेंट, ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं जी, के राइट साइड इन हेमिप्लेजिया है, लेफ्ट साइड इन, ये क्लास नाइफ फ्रिजिडिटी है जी, क्लास नाइफ फ्रिजिडिटी, क्लास नाइफ फ्रिजिडिटी, ठीक है। अब इसमें ना लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जानी है, बस फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट बिलीव मी कि ये क्लास नाइफ रिजिडिटी है, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट थिंग्स ना, स्पास्टिसिटी इज डिफरेंट, रिजिडिटी इज डिफरेंट, ठीक है, तो बस किस में क्वार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का मसला होता है, किसी में क्या हो रहा होता है, पर फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि राइट साइड इन हेमिप्लेजिया उसने दिया हो और लेफ्ट साइड इन डेविएशन दी हो, ठीक है, लेफ्ट साइड इन राइट साइड इन हेमिप्लेजिया, राइट साइड इन मोटर लॉस और लेफ्ट साइड इन डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ दी हो, तो आपने क्लास नाइफ रिजिडिटी कहना है कि जनाब वो क्लास नाइफ रिजिडिटी के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पायरामिडल में आएगी या पायरामिडल में आएगी? हाँ जी, बेसिकली मैं आपको कहना चाह रहा था कि उसमें ना वो लॉन्ग डिबेट हो जाएगी कि किस जो पायरामिडल ट्रैक्ट होते हैं उसमें, मेरा ख्याल है एक जो था ना पायरामिडल ट्रैक्ट लियंस उसमें थे क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी, ठीक है, और एक में जो है वो रिजिडिटी है, मुझे इसको पढ़े काफी टाइम हो गया, पर एक में जो है वो रिजिडिटी थी, एक में जो है वो स्पास्टिसिटी थी, तो इसको सर बस वही डिफरेंस पूछना था आपसे। इसको इसको बस पायरामिडल ट्रैक में रिजिडिटी है और एक्स्ट्रा पायरामिडल में स्पास्टिसिटी है, रफी में ऐसे मेंशन है। क्या जी, एक्स्ट्रा पायरामिडल में स्पास्टिसिटी है, तो ये जी पायरामिडल है, ठीक है, ये पायरामिडल है, चलो जी बात मान ली मैंने आपकी। वो मैम ने ये भी बताया था कि जो रिजिडिटी है ना वो अपर मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होती है, तो अपर मोटर न्यूरॉन्स तो पायरामिडल होते हैं, इसलिए उसमें याद रखने के लिए ये हम रिजिडिटी है, थी एक्स्ट्रा पायरामिडल बाहर से आएंगे। कि जो अपर मोटर में मैंने कहा था, अपर मोटर में हमने क्या कहा था कि वो अपर मोटर में और एक में टोन कम, स्पास्टिसिटी ऐसे टोन कम होगी, ठीक है, और जो रिजिडिटी है उसमें टोन ज्यादा होगी, ठीक है, रिजिडिटी में टोन ज्यादा होगी, और रिजिडिटी जो है वो टोन किस में ज्यादा होती है, जो अपर वाले होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, अपर मोटर जो होते हैं, अपर मोटर जो होते हैं उनमें क्या होगी, उनमें टोन ज्यादा होगी, जो लोअर मोटर होंगे उनमें टोन कम होगी, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, फ्लैसिड होंगे, जो ऊपर वाले होंगे वो स्पास्टिक होंगे, तो इस तरह करके कल भी हमने किया था, लेकिन स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी को इसी तरह याद रखना है कि पैरामिडल के साथ जो है ना वो रिजिडिटी होती है। अ वुमन डिलीवर ए बेबी विद लेफ्ट पैलेट एंड कंजेंटल बर्थ डिफेक्ट, शी गेट्स, ये जी एक्नी के लिए विटामिन ए देते हैं और उसकी वजह से क्या हुआ जी, रेटिनोइक एसिड का जो है फैक्टर ना वो हुआ। फीमेल विद फीवर एंड सॉर थ्रोट, ये टीबी निमोनिक से हमने याद रखा था जी, टीबी निमोनिक से याद रखा था, टी फॉर 80%, बी फॉर 20%, 80 to 90% टी लिम्फोसाइट्स और 10 to 20% बी लिम्फोसाइट, सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है, सर कैसे याद रखना है? टीबी 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 टी बी टी वाला ग्रेटर, टी ए टी, ठीक है, T80 B20, टी ए टी याद रखना है प्लीज। सर इसको मैंने ऐसे याद रखा था, टी बी है ना, तो जो पंजाबी वाली काउंटिंग होती है वो 80 B होती है, बी 20 B B हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय व्हाट? अच्छा, सबसे पहले डायजॉक्सिन का ना थोड़ा सा मैं ना इसमें आपको बता देता हूँ, डायजॉक्सिन जो होता है वो जो पंप हो रहा होता है ना सोडियम पोटाशियम पंप, उसको ब्लॉक करता है, ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको पता होगा कि पंप ने क्या करना है, जिसको नहीं पता, जिसको नहीं पता, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो पंप होता है ना बच्चों, कोई भी पंप हो,
वो हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, वो एटीपी को यूज कर रहा था और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. अब कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन सोडियम की बाहर क्या है, बाहर क्या है, ज्यादा होती है, बाहर क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, मजीद सोडियम को बाहर भेजता जाएगा, मजीद सोडियम को, थ्री सोडियम आउट टू पोटाशियम इन, थ्री सोडियम आउट टू पोटाशियम इन. ठीक है, ये होता है जी, ये होता है जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप. ठीक है, तीन सोडियम आउट टू पोटाशियम इन. ठीक है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम करता है. लेकिन जब डाजोक्सिन आती है तो वो इसको इनहिबिट कर देती है. डाजोक्सिन क्या करती है, इसको इनहिबिट कर देती है. अब डाजोक्सिन ने जब इसको इनहिबिट कर देना इस पंप को, तो क्या होगा, डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना. डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा, ठीक है, डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा कि जो होते हैं ना सेल्स के अंदर जो पोटाशियम है वो दाखिल दाखिल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल वो जो थ्री सोडियम आउट टू पोटाशियम इन, ये जो टू पोटाशियम इन हो रहा था ना, ये जो टू पोटाशियम इन हो रहा था, ये डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी में नहीं होगा, ये डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी में नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये पंप रोक देती है ना डाजोक्सिन, तो ये अगर टॉक्सिक हो गई तो डेफिनेटली उसकी टॉक्सिसिटी में ये नहीं होगा. तो डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा कि सेल के अंदर जब पोटाशियम एंटर नहीं होगा तो बाहर ज्यादा होगा. डैट इज ए कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरकलीमिया, डैट इज ए कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरकलीमिया. सर व्हाई यू आर टेलिंग दिस, व्हाई यू आर टेलिंग दिस, बिकॉज डाजोक्सिन की टॉक्सिसिटी जो होती है वो हाइपरकलीमिया कॉज करती है. लेकिन डाजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई क्यों, वो होती इस वजह से है, वो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट वाली चीज की वजह से होगी. हाइपोकलीमिया कॉजिंग डाजोक्सिन टॉक्सिसिटी विच कॉजेज हाइपरकलीमिया. ठीक है, हाइपोकलीमिया कम वाला पोटाशियम इसकी टॉक्सिसिटी करवाएगा. और वो कौन सी ड्रग्स हैं जो बेसिकली हाइपोकलीमिक होती है, उनमें बच्चों थायजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं ना. ठीक है, डाजोक्सिन इज डाजोक्सिन टॉक्सिस कॉज बाय हाइपोकलीमिया अल्कलोसिस एंड ड्रग कॉजिंग हाइपोकलीमिया एंड दैट इज व्हाट थायजाइड डायूरेटिक. ये समझाना थोड़ा सा इसलिए जरूरी था. ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक. ठीक है ओके. CSF is absorbed by, CSF को absorb कौन करते हैं, arachnoid granulations, arachnoid granulations. CSF को absorb कौन करते हैं, arachnoid granulations. A से absorption, A से arachnoid granulations. A known CLD patient develop edema, likely mechanism is, CLD patient में edema जो होता है वो oncotic pressure की कमी की वजह से होता है. या वो उसने लिखा low albumin, तो वो भी एक ही बात है. पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्ट ड्यूडिनल अल्सर. अच्छा आप देखो इधर उसने पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक नहीं मेंशन किया. पोस्ट ड्यूडिनल अल्सर है ना, तो वो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी होगी.